अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक सवाल सॉल्व करते हैं। और ये सवाल है ओ लेवल्स के पास पेपर्स का, जून 2011, पेपर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, और वन का पार्ट ए बी एंड सी। चलें तो देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। सवाल में लिखा हुआ है, मोहन इज अ ट्रेडर। ऑन 24 अप्रैल 2011 ही हैड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ $150। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि मेरा बैंक में एक नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंडेड 30 अप्रैल 2011। अब कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, ठीक है। अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन है सबसे पहली, फिर 26 अप्रैल की, फिर 27, 28 और 30 अप्रैल की कुछ ट्रांजेक्शन है। ए रिक्वायरमेंट देखते हैं। ए में बोलते हैं, प्रिपेयर द बैंक कॉलम्स ऑफ मोहन्स कैश बुक फॉर द वीक एंडेड 30 अप्रैल 2011। शो दी बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1st of May। यानी कि हमें कैशबुक का बैंक कॉलम बनाना है, बैंक का अकाउंट बनाना है। तो हम पार्ट ए को यहीं पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम अपना टी अकाउंट बनाएंगे और उस टी अकाउंट में हम टॉप पर लिखेंगे कैशबुक, और कैश बुक में बैंक और कैश दो कॉलम्स होते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने पढ़ा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम बनाना है, ठीक है। अच्छा, हमें अप्रैल के महीने का बैंक कॉलम बनाना है, और हमारे पास इससे लिखा हुआ है कि ऑन 24 अप्रैल 2011, इनफैक्ट अप्रैल के महीने का भी नहीं, अप्रैल के वीक का बनाना है। ऑन 24 अप्रैल 2011 ही हैड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ $150। बैंक ओवरड्राफ्ट था, विच मीन्स लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी की वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगा 2011 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल का मेरा जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, बिकॉज ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर होगा, और ये अमाउंट होगा $150, ठीक है। इसके बाद हम जो ट्रांजेक्शन दी हुई है उनको पास करते हैं। अप्रैल 25 को क्या हुआ, विदड्रू $200 बाई चेक फॉर पर्सनल यूज। ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से $200 निकाल कर घर ले गया। इसकी एंट्री क्या पास होती है, अगर ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे लेकर जाता है तो हम कहते हैं कि ओनर ने ड्राइंग्स की हैं, और जो एंट्री पास होंगी वो होंगी ड्राइंग्स डेबिट $200 और बैंक क्रेडिट $200। नाउ बैंक क्यों क्रेडिट होगा, बैंक इसलिए क्रेडिट होगा बिकॉज जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक का बैलेंस कम होना चाहिए, बैंक एसेट अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे 25 अप्रैल, हम लिखेंगे ड्राइंग्स, और हम साथ में लिख देंगे 200, ठीक है। तो ये पहली एंट्री पास हो गई। सेकेंड क्या है, 26 अप्रैल, पेड बाय चेक द बैलेंसेस ऑन द अकाउंट्स ओड टू। हमने चेक से कुछ पैसे पे किए हैं, कह रहा है $400, इसको $400 पे किए हैं, लेस 3% कैश डिस्काउंट। लेकिन इसने हमें 3% जो है ना वो डिस्काउंट दिया, 3% का मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैंने इसको $400 नहीं पे किए होंगे, बल्कि क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है तो 400 माइनस 400 का 3% कितना बनता, 400 का जो 3% होता है वो आपका बन जाता है ₹12। तो 12 का डिस्काउंट मिला, यानी कि मैंने इसको पे किए होंगे 388, ठीक है। और अगर 388 मैंने पे किए होंगे तो इसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी, मैंने पे किए हैं, ठीक है। तो किराए जो भी ये बंदा होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा 388 से,
और बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा 388 से, बिकॉज मैंने 388 पे किए हैं, और इसीलिए मैं अपने टी अकाउंट में इसको लिखूंगा 26 अप्रैल, और यहां पर मैं लिख दूंगा किराए, और मैं लिख दूंगा 388। ठीक है, दूसरा क्या है, सुसिन $750 लेस 4% कैश डिस्काउंट, इधर से भी मुझे कैश डिस्काउंट मिला, तो 750 माइनस 750 का 4% कितना होता, 30 होता, 30 माइनस किया 720 में पे करूंगा। 720 पे करने का मतलब है सुसिन डेबिट 720, बैंक क्रेडिट 720, और यहां पर मैं लिख दूंगा 26 अप्रैल सुजिन 720 मैंने पे किया ना। ठीक है, अगली चीज, अप्रैल 27 को क्या है, कैश सेल्स $630, कैश सेल्स $630 पेड इन टू दी बैंक अकाउंट। 630 की मैंने कैश सेल्स करी और वो मैंने पैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, जमा करवा दिए, यानी कि एंट्री पास हुई होगी बैंक डेबिट 630 और सेल्स क्रेडिट 630। बैंक डेबिट 630 और सेल्स क्रेडिट 630, और इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो अब मैंने बैंक को डेबिट करना है बिकॉज मेरे पास पैसे आए, तो यहां पर 2011, यहां पर 27 अप्रैल, और यहां पर सेल्स, और यहां पर 630। इसके बाद अप्रैल 28 है, रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव है फ्रॉम लॉला फॉर द बैलेंस ऑफ अर अकाउंट $2000 लेस 4% कैश डिस्काउंट। मैंने किसी से पैसे रिसीव किए हैं लेकिन मैंने उसको 4% डिस्काउंट दिया है, तो उसने मुझे $2000 नहीं पे किए होंगे, 2000 में से 2000 का 4% जो है वो माइनस होगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4% इज 80, और बच क्या जाता है 1920। सो 1920 रिसीव हुए होंगे, 1920 रिसीव होने का मतलब ये है कि क्योंकि 1920 रुपीज डॉलर्स मैंने रिसीव किए हैं, बैंक डेबिट हुआ होगा 1920 और रिसीव है लॉला से, तो उसको मैंने क्रेडिट किया होगा 1920, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा 28 अप्रैल लॉला 1920। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है अप्रैल 30, कैश्ड द चेक टू पे वेजेस $430। मैंने बैंक से $430 निकाले ताकि मैं लोगों की वेजेस पे कर सकूं, तनख्वाह पे कर सकूं। इसकी एंट्री पास हुई होगी वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 430 और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 430, क्योंकि मैंने 430 बैंक से पैसे निकाले। तो अब यहां पर मैं रिकॉर्ड करूंगा 30 अप्रैल और मैं लिखूंगा वेजेस और मैं लिखूंगा $430। ठीक है, अब क्या होगा, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। हम डेबिट साइड का अगर टोटल करते हैं तो 630 प्लस 1920 2550 टोटल बनता, दोनों जगह 2550 लिखा, 2550 में से माइनस कर दिया 150, माइनस कर दिया 200, माइनस कर दिया 388,
माइनस कर दिया 720, माइनस कर दिया 430, तो 662 बच जाता है, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। 662 बैलेंस कैरी डाउन किस दिन? 30 अप्रैल। और यही हमारा 1 मई का बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, कितना? 662। इसने हमें कहा था सवाल में कि शो दी बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑन 1 मई 2011, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये पूरा टी अकाउंट भी बनाना था, ठीक है। जो जो पैसे आते हैं रिसीव होते हैं वो डेबिट होते जाते हैं, जो पैसे मैं पे करता हूँ या बैंक अकाउंट से निकालता हूँ वो सारे क्रेडिट होते रहते हैं। और ये 662 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मेरे बैंक अकाउंट में 662 रुपीज हैं, मेरे बैंक अकाउंट में महीने के सॉरी हफ्ते के शुरू में नेगेटिव 150 का बैलेंस था, लेकिन 630 और 1920 रुपीज आए मेरे पास और ये सारी मैंने पेमेंट्स करी, तो अब मेरे बैंक अकाउंट में 662 रुपीज बच गए। अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा एक करंट एसेट है, और इसका मतलब यह है कि 662 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन जो ओपनिंग का बैलेंस ब्रॉड डाउन था वो क्रेडिट साइड पर था, उसका मतलब ये था कि ये मेरी करंट लायबिलिटी है, ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, या मेरे बैंक में एक नेगेटिव बैलेंस है। मेरे बैंक में 150 रुपीस पड़े हुए नहीं है, बल्कि मुझे बैंक को 150 देना है, नेगेटिव बैलेंस है। फिर हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। 662 तक तो हम पहुंच गए, 1 मई तक तो पहुंच गए। अब अगर हम आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो इसने लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट ऑफ मई 2011 मोहन रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट। मोहन जो है ना उसके पास ये एक बैंक स्टेटमेंट आया। बैंक स्टेटमेंट क्या आया भाई? बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट कॉलम है, एक क्रेडिट कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम है। बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट कॉलम है, एक क्रेडिट कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम है। बैंक स्टेटमेंट कौन भेजता है? जैसे कि हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया, ये बैंक भेजता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है? देखो मेरे हिसाब से मैंने जो ये टी अकाउंट अपनी बुक्स में बनाया है, 24 अप्रैल 2011 के वक्त मेरा बैंक में नेगेटिव 150 का बैलेंस था, करेक्ट। और यहां पर भी तुम देखो बैंक स्टेटमेंट में जो 24 अप्रैल का बैलेंस लिखा हुआ है ना, वो 150 डेबिट लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मेरा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है या करंट लायबिलिटी होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि मुझे बैंक को पैसे पे करने हैं, 150 मेरी लायबिलिटी है। लेकिन अगर बैंक बात करेगा और बैंक स्टेटमेंट देगा तो उसमें वो 150 डेबिट लिखेगा, क्रेडिट नहीं लिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के लिए मैं एसेट हूं। बैंक क्या सोच रहा होगा कि मुझे इस बंदे से 150 रिसीव करने हैं, और इसीलिए वो डेबिट पर रिकॉर्ड करेगा। तो ये याद रहे कि बैंक स्टेटमेंट बैंक के एंगल से प्रिपेयर हुआ होता है, और देयरफॉर यहां पर 150 क्रेडिट नहीं लिखा, 150 डेबिट लिखा है, बिकॉज बैंक ने मुझसे 150 रुपीज रिसीव करने हैं। तो बैंक कह रहा है कि यार ये 150 का मेरा, बैंक कह रहा है बैंक कि मेरा एसेट है, ठीक है ना। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब ये वैल्यूज क्या हैं जरा देखते हैं। देखो पहली वैल्यू है 200, चेक लिखा है और डेबिट लिखा हुआ है, और फिर 150 प्लस 200 ये 350 पर चला जाता है। इसका मतलब मेरा बैलेंस नेगेटिव 150 था, अब वो नेगेटिव 350 हो गया। इसका मतलब कि 25 अप्रैल वाले दिन किसी ने मेरे बैंक अकाउंट से $200 निकाले हैं। और ऐसा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा ऐसा? अगर हम अपना सवाल देखते हैं,
तो सवाल में 25 अप्रैल वाले दिन लिखा था कि आप बैंक गए और बैंक से आपने $200 निकाल लिए अपने जाती खर्चों के लिए, आपने $200 की ड्राइंग कर ली, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। आपने अपने पास भी उसको 25 अप्रैल को रिकॉर्ड किया था, 25 अप्रैल को आपने अपने बैंक अकाउंट में लिखा था क्रेडिट साइड पर $200 की ड्राइंग, बिकॉज आपने बैंक से $200 निकाले थे। वही बैंक ने बात मेंशन कर दी कि भाई 25, बैंक ने बैंक स्टेटमेंट क्या देता है, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि किस दिन क्या हुआ, तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है $200 आपने निकाले हैं, किस दिन को निकाले हैं, 25 अप्रैल को निकाले हैं, और इसीलिए अब आपका बैलेंस नेगेटिव 350 हो गया। तो ये वो वाली ट्रांजेक्शन है जो मैंने भी रिकॉर्ड की है, ये वो वाली ट्रांजेक्शन है जो मैंने भी रिकॉर्ड की है और बैंक ने भी रिकॉर्ड की है, ठीक है ना। मैंने भी रिकॉर्ड किया, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया। फिर 28 अप्रैल को लिखा हुआ है चेक और 388 लिखा हुआ है। अब ये 388 क्या है भाई? अच्छा, ऐसे हो क्या रहा है, मेरा 350 वाला बैलेंस अब -7 38 पर जा रहा है। अगर तुम 350 नेगेटिव बैलेंस है और फिर वापस से कोई 388 उसमें से निकाले तो 738 नेगेटिव पे चले जाओगे। क्या ऐसा कुछ हुआ था? आओ देखते हैं। देखो, मैंने 26 अप्रैल को किराए नाम के बंदे को $388 का चेक दिया था, किराए डेबिट 388, बैंक क्रेडिट 388। इसको मैंने बोला था 26 अप्रैल को कि बैंक जाकर तुम 388 रुपीज़ ले लो, ये रहा चेक, बैंक को दिखाओगे, बैंक तुम्हें 388 दे देगा। अब जब मैं किसी बंदे को चेक देता हूँ तो ज़रूरी नहीं है वो उसी दिन जाए, 26 अप्रैल को ही बैंक जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। वो बैंक कब गया? वो बैंक 28 अप्रैल को गया और बैंक से पैसे निकाल लिए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैंने भी ये चीज़ रिकॉर्ड की थी। अगर तुम अपना बैंक अकाउंट देखो तो मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी, 388 क्रेडिट करा था, मैंने लिखा था अपनी बुक्स में कि 388 रुपीज़ बैंक से निकल रहे हैं, बैंक ने भी ये लिख दिया जब उस बंदे ने ये पैसे निकाले, ये चीज़ भी दोनों ने रिकॉर्ड करी है। ये वो वाली ट्रांजेक्शन है कि किराए नाम के बंदे को मैंने पैसे दिए थे। फिर मैंने मजीद बैंक स्टेटमेंट आगे देखा तो 29 अप्रैल को $720 निकले हुए बैंक अकाउंट से और मेरा बैंक का बैलेंस मजीद -1458 पर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ था, वापस से देखते हैं। क्या मैंने किसी और को चेक दिया था? हाँ, मैंने 26 अप्रैल वाले दिन, मैंने 26 अप्रैल वाले दिन सुजैन को चेक दिया था और उसने $720 निकाले होंगे बैंक से। मैंने अपने पास एंट्री भी पास कर ली थी इसकी, मैंने सुसैन को पैसे दिए थे और 720 दिए थे और मैंने अपने पास रिकॉर्ड भी करा था। देखो ये रहा, मैंने अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था 720, बैंक से 720 माइनस कर दिए थे। देखो ये रही डबल एंट्री और बैंक ने भी इसको रिकॉर्ड कर लिया, वो गया होगा बैंक, बैंक से उसने पैसे निकाले होंगे, दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अप्रैल 29 को लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर डिविडेंड $24। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कभी कभार वो कोई और कंपनी आपको कुछ शेयर्स के अगेंस्ट रिटर्न देती है, प्रॉफिट देती है और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो ऐड हो जाता है। तो किसी कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे होंगे, उस कंपनी ने मेरे बैंक अकाउंट में $24 प्रॉफिट डाल दिया और इससे हुआ क्या, देखो मेरा बैलेंस -1458 था बैंक अकाउंट का बैलेंस, और जब उसमें 24 रुपये गए तो वो थोड़ा सा कम नेगेटिव हो गया, 24 रुपये कम नेगेटिव हो गया। अब ये शायद वो चीज़ है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, बिकॉज अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता, बिकॉज अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता तो यहाँ पर $24 आने चाहिए थे ना, डेबिट साइड पर आने चाहिए थे, ये बैंक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, और अगर ये बैंक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे तो डेबिट साइड पर आने चाहिए थे। लेकिन क्या मैंने रिकॉर्ड करे हुए? नहीं, मैंने तो 630 और 1920 दो डेबिट बैलेंसेस रिकॉर्ड करे हुए, इसको रिकॉर्ड नहीं करा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिविडेंड है ना, ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है कि दिस इज रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अस, नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। अभी तक हमने रिकॉर्ड किया इसको? नहीं, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। $24 मिले, मुझे पता ही नहीं था मिले, मुझे तो बैंक स्टेटमेंट मिलेगा फिर पता चलेगा ना कि बैंक में $24 किसी ने डलवाए हैं, तब मैं ऐड करूंगा, मुझे पता ही नहीं था। तो ये एक चीज वो है जो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो गई है, मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद अप्रैल 29,
अप्रैल 29 को लिखा हुआ है क्रेडिट 630, यानी कि अगेन क्रेडिट है, यानी कि किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में 630 डॉलर्स डाले हैं, ऐड किए हैं, और इसीलिए मेरा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस 1434 नेगेटिव पर था वो सिर्फ और सिर्फ 804 नेगेटिव पर आया। अब ये 630 किसने डाल दिया आखिर मेरे बैंक अकाउंट में? अगर मैं अप्रैल 27 को रीड करता हूँ, अप्रैल 27 वाले दिन मैंने कैश सेल्स करी थी 630 की, और मैंने वो पैसे बैंक अकाउंट में ऐड किए थे। मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, बैंक में पैसे ऐड किए थे अपनी बुक्स में, और सेल्स को क्रेडिट किया था। मैंने उसको यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया था, ये रहा, और बैंक ने भी इसको रिकॉर्ड कर लिया, ये रहा, ठीक है ना। तो ये ज़रा अच्छे से ज़रा बैंक स्टेटमेंट को देखना। मैंने बहुत डिटेल में जाकर एक एक बात को डिस्कस किया है, वापस से एक दो बार वीडियोस देखना ज़रूर। अब वो बोले स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम ए अपडेट द बैंक कॉलम्स इन द कैश बुक, ब्रिंग डाउन द अमेंडेड बैलेंस, यानी कि मुझे अपनी कैश बुक को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करते हैं? अगर कोई चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है और बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी कैश बुक अपडेट हो जाती है। अब मैं एक हेडिंग डालूंगा अपडेटेड कैश बुक। अच्छा, अपडेटेड कैश बुक तब बनती है जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आ जाए। मैं अगेन इसके दो कॉलम्स बनाऊंगा, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, 2011 का साल है, 1 मई का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन ऊपर से आ रहा है वो 662 है, 662 ये वाला बैलेंस, ठीक है, 662 है, करेक्ट। 24 डॉलर्स ऐसे हैं जो बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए थे लेकिन मैंने ऐड नहीं किए बिकॉज मेरे पास वो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं था। तो अब तो बैंक स्टेटमेंट आ गया और ये मुझे कहीं से डिविडेंड आया है, डिविडेंड आएगा तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक में ये ऐड होगा, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो अब मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा, और इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहां पर लिख दूंगा 1 मई, जिस दिन मैं इसको अपडेट कर रहा हूं, डिविडेंड और 24। मेरे हिसाब से 662 रुपीज़ बैंक बैलेंस में, बैंक का बैलेंस था, बैंक में मेरे पड़े हुए थे, उसमें ये 24 डॉलर्स रिकॉर्ड नहीं हुए, ये भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। और कोई ऐसी चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट में हो और मैंने रिकॉर्ड ना की हो? नहीं, ये हम दोनों ने रिकॉर्ड किया बैंक ने और मैंने, ये हम दोनों ने रिकॉर्ड किया बैंक ने और मैंने, ये हम दोनों ने रिकॉर्ड किया हुआ बैंक ने और मैंने, ये बैंक ने किया हुआ था मैंने नहीं किया था, मैंने कर लिया रिकॉर्ड, ये हम दोनों ने रिकॉर्ड किया हुआ। तो अब हम अपडेटेड कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो निकाल सकते हैं। 662 प्लस 24 इज 686, 686, और यहां पर हम लिखेंगे 2011, यहां पर हम लिखेंगे 1 मई, और लिखेंगे हम बैलेंस कैरिड डाउन और 686, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे अगेन 1 मई, बैलेंस ब्रॉड डाउन 686, ये कहलाती है अपडेटेड कैश बुक, ये कहलाती है अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में क्या करते हैं, अगर कोई चीज बैंक ने रिकॉर्ड करी थी और मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि मेरी चीजें, मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएं। अब मेरे हिसाब से मेरे बैंक का बैलेंस 662 नहीं है बल्कि 686 है बिकॉज 24 डॉलर्स मेरे पास आए थे लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, पार्ट सी कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट 1 मई 2011। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कुछ लॉजिक मैंने आप लोगों को दी थी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि देखो, मैं अपनी अपडेटेड कैश बुक के हिसाब से ये कह रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 686 डॉलर्स पड़े हुए हैं, मैं अपनी अपडेटेड कैश बुक के हिसाब से ये कह रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 686 डॉलर्स पड़े हुए हैं, है ना। मैं अपनी अपडेटेड कैश बुक के हिसाब से ये बात कह रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 686 डॉलर्स पड़े हुए हैं।
जबकि ये जो मई का बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आया है उसके हिसाब से बैंक ये कह रहा है कि 804 नेगेटिव बैलेंस है, 804 डेबिट बैलेंस है। बैंक ये कह रहा है कि आपके 686 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बढ़े हुए, बल्कि आप हमें 804 रुपए दोगे, अभी नेगेटिव 804 का बैलेंस है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से जो बैलेंस होता है वो और बैंक के हिसाब से जो बैलेंस होता है वो मैच नहीं करता। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरा या बैंक का बैलेंस गलत है, बैलेंस दोनों सही है, बैंक के हिसाब से 804, मेरे हिसाब से 686। लेकिन मैं एक चीज बनाता हूं जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट, ताकि जिसको अकाउंटिंग नहीं आती उसको मैं ये समझाऊं कि यार मैं क्यों कह रहा हूं कि 686 है और बैंक क्यों कह रहा है कि 804 रुपए, 804 नेगेटिव है। अच्छा, इसको भी मैंने कुछ डिटेल में जो बैंक रिकंसिलिएशन का एक बेसिक लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, और मैं इसका हैंडआउट भी आप लोगों को दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पर, जिसमें आप लोग ये रियलाइज करोगे कि ये टाइमिंग की वजह से अराइज होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसको हम सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वो लिखते हैं बैलेंस, बैलेंस एज पर अपडेटेड, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक कितना है 686, ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, आप अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या मतलब है, अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड का मतलब ये प्रेजेंट नहीं हुए, प्रेजेंट कहां नहीं हुए भाई, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब ये है कि तुमने किसी को एक चेक दिया था कि बैंक से जाके पैसे ले आना, बैंक से पैसे निकाल देना, लेकिन उस बंदे ने अभी बैंक से पैसे नहीं निकाले। अब यहां पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से, ऑल्दो हमने बेसिक लेक्चर वाली क्लास में डिस्कस किया इसको, लेकिन यहां पर वापस से इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं अपना ये जो कैश बुक मैंने बनाई थी इसको देखूं, जरा गौर से देखना, ये वाला अमाउंट, वेजेस वाला अमाउंट, वेजेस वाला अमाउंट कितना है, सॉरी 430 है, वेजेस वाला अमाउंट 430 है। अगर मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देखता हूं ना, थोड़े सा इस चीजों को क्लियर करूं वापस से, अगर मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देखता हूं, बैंक से 200 388 720 माइनस हुए हैं, 200 कौन से वाले, ड्राइंग्स वाले, देखो यहां पर हैं 200 388 720, ये तीन चीजें माइनस हुई हैं, मैंने भी माइनस की है, बैंक ने भी माइनस की है, लेकिन ये 430 मैंने माइनस कर दी है, बैंक ने माइनस करें क्या, बैंक ने डेबिट साइड पर कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे, बिकॉज मैंने किसी को वेजेस दी, मैंने किसी को तनख्वाह दी, तनख्वाह के लिए मैंने उसको 430 का चेक दिया, $430 का चेक दिया, और मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया, अपने हिसाब किताब में लिख लिया कि यार $430 माइनस कर दो बैंक अकाउंट से, बिकॉज $430 मैंने एक बंदे को दे दिए, लेकिन वो बंदा बैंक ही नहीं गया तो बैंक ने माइनस ही नहीं किया, तो डिफरेंस आ गया। वो कब जाएगा, शायद आज नहीं गया, 10 दिन बाद जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा, 20 दिन बाद जाएगा, लेकिन 1 मई तक नहीं गया। ये कहलाते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसको अगर मैं ऐड कर दूं, देखो मैंने 686 कैलकुलेट करते वक्त इसको माइनस किया था, लेकिन बैंक ने इसको माइनस नहीं किया था, इसको ऐड कर दूं और लेस कर दूं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या है, मैंने बैंक में 1920 रुपीज ऐड करे, लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं करे, ये कहलाते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। मैंने 1920 लॉला से रिसीव कर उसका चेक बैंक को दे दिया था, बैंक ने अभी ऐड नहीं किया,
इसकी रीज़न और इसकी लॉजिक भी लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और मैंने जो बेसिक लेक्चर सिखाया था, बेसिक लेक्चर बनाया था और जो हैंड आउट दिया उसमें भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है भाई मैंने बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया, लेकिन बैंक कुछ दिन लेता है उसको क्लियर करने में, और मेरे बैंक अकाउंट में ऐड करने के लिए फर्स्ट मई तक बैंक ने अभी शायद उसको ऐड नहीं किया। तो अगर ये बैंक ने ऐड नहीं किया, मैं इसको माइनस कर दूं, और अब आप अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 686 प्लस 430 माइनस 1920, तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव 804 आता है, नेगेटिव 804। ये क्या आया? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक भी ये कह रहा था ना नेगेटिव 804, देखो नेगेटिव 804 पे हम पहुंच गए। अब ये आपकी रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट है, ठीक है ना, और इन दोनों की कुछ रीजंस मैंने जो है वो बेसिक लेक्चर में भी डिस्कस करी है, यहां पर मैंने कुछ हद तक रिपीट करी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। अगर अभी भी समझ ना आए, दो बार तीन बार बेसिक लेक्चर देखो, हैंडआउट को रीड करो, ये वीडियो देखो, और फिर लाइव क्लास में भी मुझसे इस बात को डिस्कस करना। कुछ टाइम तक इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली मसला होगा, बिकॉज शायद आप पहली बार अगर बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन ट्राई योर बेस्ट, एक एक चीज़ को कॉपी करो, बेसिक लेक्चर को देखो, हैंडआउट को रीड करो, व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस करो, और फिर लाइव क्लास में मुझसे मजीद पूछो। लेकिन उससे पहले की शर्त यह है, दो तीन बार आप सेम वीडियो लेक्चर देखो, ताकि आपको ये मालूम हो कि आखिर ये डिफरेंस आते क्यों हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मजीद चीज़ें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।